अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आपको? नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चलें शुक्र। अच्छा जी, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है, लंग कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, लंग कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, कार्सिनोमा ब्रेस्ट सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, लंग कैंसर, ठीक है। लंग कैंसर जो है वो मेल में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, और इसको अगर ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि मेल में होने वाला सबसे ज्यादा कार्सिनोमा जो है वो कौन सा होता है, कार्सिनोमा लंग। अच्छा, इसको हम क्लासिफाई अगर करें तो ये क्लासिफिकेशन है इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हिस्टोपैथोलॉजी के बगैर तो हमें नहीं पता चल सकता ना कि स्क्वेमस सेल तो हमें सीटी स्कैन पे नजर नहीं आ सकता, एमआरआई पे हमें एडिनोकार्सिनोमा का डायग्नोसिस तो नहीं बन सकता। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप इट वुड बी ऑन बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी जो कि ब्रोंकोस्कोपी पे ली जाएगी, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ट्यूमर तक पहुंचेंगे, बायोप्सी लेंगे, उसकी लैब में हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, उस पर पता चलेगा कौन सा सेल टाइप, कौन सा कार्सिनोमा है, उस पर फिर डिपेंड करते हुए ट्रीटमेंट प्लान की जाएगी आइडियली स्पीकिंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्क्वेमस सेल सी होता है, स्क्वेमस का जहां पे वर्ड आ जाए आपके जहन में आना चाहिए एपिथीलियम से राइज किया, एपिथीलियल सेल ट्यूमर है। जहां एडिनो का वर्ड आ जाए आपके जहन में आना चाहिए ग्लैंड, ग्लैंडुलर एपिथीलियम से या ग्लैंडुलर टिश्यू से राइज करने वाले कार्सिनोमा को हम एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। मजीद फिर उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स हमें नजर आए तो फिर हम कह देंगे कि स्मॉल सेल्स ये है या लार्ज सेल्स ये है। इन सब में सबसे बुरा पुअर प्रोग्नोसिस वाला कार्सिनोमा कौन सा है इन चारों में? स्मॉल सेल कार्सिनोमा सबसे बुरा है, सबसे पुअर प्रोग्नोसिस है, बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज करता है, बहुत ज्यादा लीथल होता है, स्मॉल सेल्स ये सबसे बुरा है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद ये तो होगी टाइप जो कि हम करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी पे, ठीक है, लैब डायग्नोसिस पे बनेगा। अच्छा, तो पेशेंट ने प्रेजेंट करना है कफ, हेमोप्टिसिस, ब्रेथलेसनेस के साथ, इसके अलावा और बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जो इसके या तो मेटास्टेसिस की वजह से आएंगे या फिर ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से फीचर्स आएंगे, ठीक है। मेन जो इसकी अपनी वजह से फीचर्स हैं वो क्या हो सकता है? कफ। आपको पता है हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो जब भी इरिटेट होगा कफ होगी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब इरिटेट होगा हिकअप होगी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो जब इरिटेट होगा कफ होगी। इरिटेशन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक विल रिप्रेजेंट एज कफ, क्लिनिकल फीचर क्या आएगा? कफ, ठीक है। तो कफ आएगी, कफ विद स्पूटम हो सकती है, हिमोप्टिसिस मैस है ना, ब्रोंकस में मैस पड़ा हुआ है, ब्रोंकल ब्रोंकियल वॉल से अराइज किया है, उसकी वॉल को वॉल की इरोजन करेगा, उसको डिग आउट करेगा, नीचे क्या है ब्रोंकियल वॉल में ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो कफ के साथ जो स्पूटम होगा दैट कैन बी ब्लड स्टेन, हिमोप्टिसिस। कैसा हिमोप्टिसिस? थोड़ा थोड़ा बार बार, बड़ा बड़ा हिमोप्टिसिस नहीं होता जैसे ब्रोंकियोक्टिसिस में होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है और रिकरेंट आता है, बार बार आता है, ऐसा हिमोप्टिसिस होता है इसमें, ठीक है। तो कफ, हिमोप्टिसिस और ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस क्यों होगी? लंग से ही तो सांस लेते हैं, लेकिन मेनली ब्रेथलेसनेस क्यों होगी? यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे इसने ब्रोंकियल ब्रोंकस जो है एक मेजर ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना है ट्यूमर मैस ने, अगर बड़ा हो के ट्यूमर मैस इतना बड़ा हो जाए कि ब्रोंकल ब्रोंकियल जो पूरी कैविटी है उसको बंद कर दे वो, ठीक है, जितनी भी जगह है, तो आगे एयर तो नहीं जाएगी, तो अब आगे जो लंग का पोर्शन होगा वो ब्लॉक हो जाएगी, इसमें एयर एंट्री वो डिफ्लेट हो जाएगा, उसका कोलैप्स हो जाएगा। तो अब आधा लंग अगर काम ही नहीं कर रहा, 1.5 लंग रह गया है, तो ब्रेथलेसनेस तो होगी, ठीक है। तो इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सबसे पहले एक्सरे टेस्ट इजीली अवेलेबल, चीप इन्वेस्टिगेशन, 1-2 सेंटीमीटर का ट्यूमर इस पे नजर आ जाता है, ठीक है, इससे छोटा ट्यूमर इस पे नजर नहीं आता, वो किस पे नजर आता है? सीटी एमआरआई पे। तो इतना ट्यूमर जो है वो इस पे इस तरह मैस लियन की फॉर्म में, मैस लियन इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे पे इसकी ये अपीयरेंस होगी। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। आपको पता होना चाहिए कि स्मोक जो है, सिगरेट स्मोक, उसमें 72 कार्सिनोजेंस दरियाफ्त हो चुके हैं। आज की डेट तक 72 कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स सिगरेट स्मोक में
डिस्कवर हो चुके हैं और मजीद हो रहे हैं, ठीक है। तो इट इज सेड दैट स्मोकिंग इज द ओनली प्रिवेंटेबल कार्सिनोमा, सिर्फ स्मोकिंग ही वो कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि ना हो। स्मोकिंग इज द ओनली प्रिवेंटेबल कार्सिनोमा ये भी कहा जाता है। एनी हाउ सबको पता है सिगरेट स्मोक में बहुत कार्सिनोजेंस हैं, सबसे पहला मेजर रिस्क फैक्टर यही है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ग्लास वर्कर्स जो ग्लास की फैक्ट्रीज में काम करते हैं क्योंकि वहां आर्सेनिक को एक्सपोजर होता है, जो प्लास्टिक फैक्ट्रीज में काम करते हैं क्योंकि वहां विनाइल क्लोराइड को एक्सपोजर होता है, जो जो है वो डिफरेंट जोन से भी कोल माइनिंग करते हैं क्योंकि इन सब चीजों के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं सिरामिक इंडस्ट्री में केमिकल करते हैं, वहां बहुत फाइन डस्ट होती है। सिरामिक इंडस्ट्री क्या, ये जो हमारी सारी सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं, ठीक है, इनके कभी आप इनकी फैक्ट्री के बाहर देखें बहुत फाइन किस्म की वाइट किस्म वाइट कलर की रेत सी पड़ी होती है। तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं जाके पेशेंट के लंग में जिसको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो रहा है या जो भी इवन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये जो है एयर पोल्यूशन कैन प्ले द सेम रोल कि जाके लंग में क्या करती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एल्वियोलाई के अंदर जाते हैं ये पार्टिकल्स, ब्रोंकाई के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं। और आपको पता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमेशा एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी कार्सिनोमेटस चेंज आ सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कार्सिनोमेटस प्रोसेस में चेंज कभी भी हो सकती है, ठीक है। और जिन पेशेंट्स को एग्जिस्टिंग लंग डैमेज होता है, देखें सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म कार्सिनोमा के खिलाफ भी, लंग कैंसर के खिलाफ भी किसने देना है, लंग्स ने। तो अगर लंग्स ऑलरेडी डैमेज है, वहां पहले ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द फॉर्म ऑफ लंग फाइब्रोसिस या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा आ जाता है, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है, लंग के डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी अच्छे नहीं है, तो कार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा है। इम्यूनिटी अच्छी हो तो वो हमें सिर्फ इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करती, वो हमें कार्सिनोमा से भी प्रिवेंट करती है। इसीलिए एड्स के पेशेंट में जब इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है तो जहां इन्फेक्शन तरह तरह के होते हैं वहां कार्सिनोमास भी उन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी का रोल कार्सिनोमा की प्रिवेंशन में भी है। कार्सिनोमा का मुकाबला करने के लिए भी अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर पल्मोनरी डिफेंस मैकेनिजम्स आर ऑलरेडी वीक, देयर इज सम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन, तो भी जो है देयर इज एन इंक्रीज रिस्क, पेशेंट इज एट इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग लंग कैंसर। अच्छा, ये इसके रिस्क फैक्टर्स कह लें, कॉजेटिव एजेंट्स कह लें। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, कफ विद स्पूटम जो कि मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम है, उसके बाद हेमोप्टिसिस ब्लड इन स्पूटम, ठीक है, जो कि रिपीटेड स्लाइट एपिसोड्स की फॉर्म में होगा, इज अ कैरेक्टरिस्टिक आर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यानी कि इसमें खास तौर पे हेमोप्टिसिस कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है और बार बार होता है। इसके अलावा चेस्ट पेन, इसके अलावा ब्रेथलेसनेस, खास तौर पे तब व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर ब्रोंकस ड्यू टू ग्रोइंग कार्सिनोमेटस मैस, जो है वो एक मेजर ब्रोंकस को जब बंद कर देगा ट्यूमर मैस जो है, तो फिर ब्रेथलेसनेस होगी ड्यू टू लंग कोलैप्स। अच्छा, अब क्या इस मरीज का क्या किया जाता है कि इसको रेडियोथेरेपी जब दी जाती है ट्यूमर मैस श्रिंक हो जाता है, ब्रोंकस ओपन हो जाता है, लंग फंक्शन रिटर्न हो जाता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, ठीक है। सर्जरी से तो निकल ही सकता है, लेकिन सर्जरी के लिए आपने देखना है कौन सा पेशेंट सूटेबल है और कौन सा नहीं। सूटेबल पेशेंट की सर्जरी की जाती है, द पेशेंट हु आर नॉट सूटेबल फॉर सर्जरी उसकी सर्जरी नहीं की जाती। आगे हम देखते हैं कि कौन से पेशेंट है जिनकी हमने सर्जरी करनी है और कौन से जिनकी नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा प्लूरा को स्प्रेड हो जाता है, प्लूरल पेन। प्लूरल पेन कैसी होती है कि सांस लेने के साथ पेशेंट की पेन जो है ना वो वेरी करती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के साथ, ठीक है। इंस्पायरेशन में प्लूरा और लंग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उसमें ज्यादा पेन होती है, प्लूरा को स्प्रेड हो गया। और जब प्लूरा को स्प्रेड होगा तो प्लूरल इफ्यूजन बनेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि प्लूरल इफ्यूजन एस्पिरेट की जाती है पेशेंट की, प्लूरल इफ्यूजन भी तो ब्रेथलेसनेस करती है, सिम्टम्स कॉज करती है, उसको एस्पिरेट करते हैं, उसको लैब में देखते हैं, उसमें कार्सिनोमेटस सेल्स मिलते हैं, उससे डायग्नोसिस बनता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है। या स्पूटम में आप एएफबी देख रहे थे या उसकी कल्चर सेंसिटिविटी से पहले उसे ग्राम स्टेन किया, उसमें स्पूटम में कार्सिनोमेटस सेल्स है। तो इस दफा बाजूका इस तरह बाजूका साइटोलॉजी से डायग्नोसिस किसका बन जाता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का, ठीक है। तो ये सारे से क्लिनिकल फीचर्स हैं। अच्छा, अब इसका जो मेटास्टेसिस है ना वो बहुत सारी जगहों पे होता है, और जिस ऑर्गन में ये मेटास्टेसाइज करेगा उस तरह का क्लिनिकल फीचर आएगा, जिस ऑर्गन में जाएगा उस ऑर्गन से रिलेटेड फीचर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इसोफेगस को चला जाता है, ठीक है, मीडियास्टिनम है ना, मीडियास्टिनम इज अ स्पेस बिटवीन टू लंग्स, उसमें ब्रोंकाई है, उसकी सिलियन है, ठीक है, उसमें जो है वैसे ले आएगी,
ठीक है जी। तो अगर इसोफेगस में चला जाता है वहां कब जाएगा, जब ड्यूडेनम को इन्वॉल्व करेगा, एडवांस लोकल स्प्रेड। तो इसोफेगस को जाएगा, इसोफेगस ने क्या करना है, जो हमारी डाइट है उसका बोलस लेके जाना है, ठीक है, फेरेंक्स से जो है वो स्टमक तक लेके जाना है। तो अगर इसोफेगस को इन्वॉल्व करेगा, इसोफेगस में ब्लॉकेज आएगी तो क्या होगा, डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है। अगर जो है वो सुपीरियर वेना कैवा को इन्वॉल्व कर लेगा तो देयर विल बी एंगॉर्जमेंट ऑफ द नेक वेन्स एंड एंगॉर्जमेंट ऑफ द वेन्स ओवर द अपर चेस्ट, ये फीचर्स आएंगे, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस को इन्वॉल्व कर लेगा तो इसको हम कहेंगे पैनकॉस्ट ट्यूमर, पैनकॉस्ट ट्यूमर, तो इसको हम कहेंगे पैनकॉस्ट सिंड्रोम, कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हुआ दैट इन्वॉल्व द ब्रेकियल प्लेक्सस। कहीं भी जा सकता है ना कार्सिनोमा, उसका लोकल स्प्रेड भी हो सकता है, उसका हेमाटोजिनस डिस्टेंट स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सस को इन्वॉल्व करेगा तो वी विल फील पेन इन द अफेक्टेड एरिया, इसको कहेंगे पैनकॉस्ट ट्यूमर या पैनकॉस्ट सिंड्रोम, ठीक है। अगर जो है वो, अच्छा अब एक और चीज है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो कि ब्रांच ऑफ वेगस है और वो हमारे जो है वो नेक से नीचे थोड़ा आती है, और रिकरेंट का क्या मतलब है कि अपने कोर्स में वो वापस ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये जो डिप कर रही है वहां से उसको अगर इन्वॉल्व कर ले तो ये हमारे लेरेंस को सप्लाई कर रही होती है, अपने लेरेंस की वजह से हम बोल पाते हैं, हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो हमारा लेरेंस है। हम एक्सपायरेशन में बोलते हैं, हम इंस्पायरेशन में नहीं बोलते, आप नोट कर लें। एक्सपायरेशन में हम कैसे बोलते हैं, एक्सपायरेशन से वोकल कॉर्ड जो है उसकी वाइब्रेशन होती है और हमारी वॉइस प्रोडक्शन होती है, आगे से उसको अल्फाज का रूप कैसे मिलता है, वो हमारे ये सारे जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन या फेशियल एक्सप्रेशन के जो मसल हैं, ये सारे मिलके उनको फिर वर्ड्स बनाते हैं, और टंग की मूवमेंट से फिर वो वर्ड्स बनते हैं, पीछे से एक आ यही आवाज आती है, आगे उसके वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये सारा जो वोकल अपरेटस है जिसमें टंग है, ये मसल्स शामिल हैं, ये बोनी सारा जॉ, ये सब मिलके जो है वो उसको वर्ड्स बनाते हैं, हम एक्सपायरेशन में बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वोकल कॉर्ड को पैरालिसिस हो जाएगा तो पेशेंट बोल नहीं सकेगा। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी, उसको इन्वेड कर लेगा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जिस इंटरकोस्टल नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा तो पेन इन द रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरकोस्टल नर्व होगी, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस को इन्वॉल्व करेगा, पेन इन द रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होगी। ब्रेन को मेटास्टेसिस चला जाता है, फिट्स पड़ेंगे, पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगे। बोन्स को मेट चले जाते हैं, किसी भी बोन को, और खासतौर पर वर्टिब्रा क्योंकि करीब भी है, वहां जाने के ज्यादा चांसेस हैं, ब्लड के थ्रू वर्टिब्रा में जाएगा या किसी भी बोन में जाएगा तो क्या कर सकता है, फ्रैक्चर कर सकता है, बोन पेन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा लिवर में चला जाएगा तो जॉन्डस करेगा, ठीक है, लिवर का अपना फंक्शन। कार्सिनोमा का क्या मसला है कि वो उस ऑर्गन को अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देता, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देता, ठीक है। इसके अलावा और कोई काम वो नहीं करता, उसके सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है उनमें, वो बढ़ते 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 चले जाते हैं, ऑर्गन का अपना काम खत्म, और कार्सिनोमा का जो मैस है उसने उसको इन्वेड कर लिया, ठीक है। अब वो जो फंक्शन ऑर्गन परफॉर्म कर रहा था वो कौन करेगा, सारा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्सिनोमेटस सेल से रिप्लेस हो चुका है। तो ये कार्सिनोमा के सेल्स करते हैं कि उनको इतनी डाइट चाहिए, उनको ब्लड सप्लाई चाहिए, जो नॉर्मल ऑर्गन है उसका फंक्शन भी खत्म, उसकी बाकी चीजें भी खत्म, ठीक है। तो ये कार्सिनोमा करता है। तो इस तरह ये इन डिफरेंट ऑर्गन्स को अगर मेटास्टेसाइज करेगा तो उसके मुताबिक ये क्लिनिकल फीचर आएंगे। अभी इसके क्लिनिकल फीचर खत्म नहीं हुए, ये अब हम दो तरह के क्लिनिकल फीचर पढ़ चुके हैं, एक वो जो कार्सिनोमा की अपनी मौजूदगी की वजह से या प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोमेटस मैस इनसाइड द लंग की वजह से आए, वो जो काफी मोर्फोसिस ब्रेथलेसनेस हमने सब पढ़ा चेस्ट पेन, ठीक है। दूसरी तरह के फीचर मेटास्टेसिस की वजह से आए। ये तीसरी तरह के फीचर्स ये पैदा कर रहा है या शो कर रहा है हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से, तो इनको हम कहेंगे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। दिस इज योर पेट वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, बट इज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो देखिए इसमें जो है वो आपको पता है हार्मोन तो जहां भी प्रोड्यूस हो वो पूरी बॉडी में जहां उसका साइट ऑफ एक्शन है दूर से दूर वो काम कर सकता है, ठीक है। तो हार्मोन प्रोडक्शन जो इसकी वजह से होती है, अगर ये हार्मोन सारे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करते बट मेनी ऑफ द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कैन डू सो, ये बहुत तरह के हार्मोन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैराथायरॉयड हार्मोन बनाए, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है।
ये एडीएच बना सकता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर ये वो बनाए तो क्या करेगा, एसआईएडीएच सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन डायबिटीज इंसिपिडस करेगा, ठीक है। अगर ये एसीटीएच बनाए, यहाँ लिखा हुआ एक्टोपिक एसीटीएच, जो चीज अपनी जगह पे होती है उसको यूटोपिक कहते हैं, ई यू टी ओ टी आई सी, जो चीज अपनी जगह पे होती है उसको कहते हैं यूटोपिक, जो चीज अपनी नेचुरल जगह पे नहीं होती वहां होती है जहां उसे नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल जगह पे होती है उसको कहते हैं एक्टोपिक। इसीलिए ट्यूब में होने वाली प्रेगनेंसी है एक्टोपिक, ओवरी में होने वाली प्रेगनेंसी है एक्टोपिक, एब्डोमेन में होने वाली प्रेगनेंसी है एक्टोपिक, यूट्रस में होने वाली प्रेगनेंसी है यूटोपिक, वो यूट्रस वो जगह है जहां प्रेगनेंसी होनी चाहिए, अगर वो उसके अलावा कहीं होती है तो वो है एक्टोपिक। एसीटीएच अगर प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी में तो वो है यूटोपिक, और उसके अलावा अगर कहीं और से प्रोड्यूस होता है तो वो है एक्टोपिक, इसलिए इसको यूं लिखा गया है एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन। कौन कर रहा है प्रोड्यूस? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, यहाँ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक सिक्रीशन या एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच। एसीटीएच क्या था? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, क्या करता था? एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता था कि कॉर्टिसोल एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन बनाए, ठीक है। तो यहाँ ये अब एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्या लगे कि एसीटीएच जो है वो पिट्यूटरी से आया या कहीं और से आया या बाहर से आया, किसी ने इंजेक्ट किया या कार्सिनोमा बना रहा, उसे क्या लगे, उसने तो उसे रिस्पॉन्ड करना है, सो वो करेगा, ठीक है। तो जब वो उसे एक्सेसिव अमाउंट एसीटीएच प्रोड्यूस होगा, कॉर्टिसोल एक्सेसिव निकलेगा तो कुशिंग सिंड्रोम होगा, ठीक है। बार दफा पेशेंट इन चीजों से डायग्नोज होते हैं, इन फीचर से डायग्नोज होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, यानी कार्सिनोमा के साथ नियोप्लेजिया के साथ साथ पैरालल ये भी एक रूट चल रहा है या चल सकता है, ठीक है। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, दीज आर द नॉन मेटास्टेटिक, इसमें कार्सिनोमा ने खुद जाके वहां ये अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, कार्सिनोमा ने हॉर्मोन प्रोड्यूस किया और उस हॉर्मोन ने जाके ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन मेटास्टेटिक एक्स्ट्रापल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से हॉर्मोन ये प्रोड्यूस कर सकता है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, इसकी स्टेजिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो चेस्ट एक्सरे इजीली अवेलेबल, चीप इन्वेस्टिगेशन, तो 1 to 2 centimeter के जो ट्यूमर होते हैं या उससे बड़े जो ट्यूमर होते हैं वो इस पे चेस्ट एक्सरे पे पता चल जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन चेस्ट एक्सरे इज नॉट इनफ, आपने डिटेल देखनी है कि हाउ मच इज द इन जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी एक्सटेंट क्या है, क्या बोन को पीछे गया हुआ है, क्या मेडियास्टिनम को इन्वॉल्व किया हुआ है। मेडियास्टिनम को देखने के लिए सीटी इज बेटर देन एमआरआई, वैसे तो सीटी एडवाइज किया जाता है, और सीटी जो है वो सिर्फ चेस्ट का नहीं करना, हेड का भी करना है, यानी ब्रेन का भी करना है और एब्डोमेन का भी करना है, क्यों? मेटास्टेसिस देखने के लिए, लिवर को देखने के लिए, इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन, किडनी को देखने के लिए, ब्रेन में हेड का जो है सीटी वो ब्रेन को देखने के लिए। हम ये देखना चाहते हैं कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं, स्टेज 4 डिजीज तो नहीं है। आप याद करें कोई भी कार्सिनोमा का जब पेशेंट डायग्नोज होता है तो उसका कार्सिनोमा का वर्कअप कराया जाता है जिसमें बोन स्कैन भी होता है, ठीक है। बोन स्कैन क्यों होता है? ये देखने के लिए कि बोन में तो नहीं जा चुका वो कार्सिनोमा जो मेटास्टेसाइज कर चुका है, उसने कैसे मेटास्टेसिस कैसे हुआ, ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू। तो वो कार्सिनोमा जो ब्लड में जा चुका है वो तो किसी भी ऑर्गन में उसकी सीडलिंग्स कल को वो बना सकता है क्योंकि वो ब्लड में जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट की सर्जरी नहीं करता, ठीक है। देखिए अब वो मेटास्टेसिस लिवर में हो चुका है, ब्रेन में हो चुका है और ओरिजिनल ट्यूमर भी है, आप कहाँ कहाँ से उसको रिमूव करेंगे? स्टेज 4 पे ज्यादातर पेशेंट जो है ना 99% आप ये याद रखें कि स्टेज 4 पे सर्जरी एडवाइज नहीं की जाती। हाँ देर आर सम एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा ऑफ द यूट्रस, उसमें स्टेज 4 पे भी सर्जरी रिकमेंडेड है ताकि पेशेंट ब्लीड कर करके तो ना मरे, ठीक है ना। उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, उसमें पीवी ब्लीडिंग होनी है, तो प्रीज को अब पीवी ब्लीडिंग कर करके तो नहीं, ठीक है। इट मेक सेंस कि वो आप उसका वो ऑर्गन निकाल दें, ठीक है, उसने बचना नहीं है लेकिन वो उसकी जो डेथ है वो इजी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पेलिएटिव थेरेपी। कार्सिनोमा के जो पेशेंट एडवांस कार्सिनोमा के होते हैं, सर्जरी उनकी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, उसका फायदा नहीं है ना, आप कार्सिनोमा को कहाँ कहाँ से निकालेंगे। आप एक जगह के लिए आप कर भी दे सर्जरी, अब कार्सिनोमा तो ब्लड में आप सर्जरी इतने सारे ऑर्गन की फर्ज करके फारिग हुआ, आपको बोला चला ब्रेन में मैट, अब वहां से भी करेंगे, ठीक है। हर सीडलिंग अर्ली स्टेजेस में तो पिक नहीं भी होती और कुछ दिनों के बाद में, कुछ एक दो महीनों के बाद वो पिक हो जाती है,
ठीक है, जबकि शुरू वो प्रोसेस पहले का ही हो चुका था मेटास्टेसिस का। तो ये बात होती है कि स्टेज फोर में आप इसलिए सर्जरी नहीं करते क्योंकि सर्जरी को बर्दाश्त करना भी तो मरीज की हिम्मत पे डिपेंड करता है ना। मरीज हॉस्पिटलाइज होगा, मरीज बहुत सारे पैसे लगाएगा, मरीज बहुत बड़ा सारा इंसीजन लेगा, वो इंसीजन ठीक कैसे होगा? उस इंसीजन को ठीक होने के लिए भी कुछ फैक्टर्स चाहिए, ओल्ड एज ना हो, कोमॉर्बिडिटी ना हो, डायबिटीज ना हो, ठीक है। अगर लंग के ऊपर आपने सर्जरी करी है तो लंग के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो पहले से वो अच्छे होंगे, ठीक है। मिसाल मैं आपको देती हूँ, एक 90 इयर्स की अम्मा है, वो वॉशरूम में गिर गई है, उनका क्या होगा, कहाँ का फ्रैक्चर होगा? अब आप लोग बताएं, हेड ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो गया। अब उन बेचारी की सर्जरी हुई, कंसेंट लिया, ये वो जी जो भी हुआ, अब चलो ठीक है, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। बाद में उनको नमूनिया नहीं हो सकता? जो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें जो है, पहले तो 6 घंटे की सर्जरी, उसमें सारी सिक्रीशंस अंदर ही, कितनी को सक्शन से आप लंग के बेसिस से तो फ्लूइड निकालने से रहे, सिक्रीशन निकालने से रहे। वो 6 घंटे वो बेचारी ऐसे ही पड़ी रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद जब उनका पोस्ट ऑफ पीरियड है, ठीक है, इतना बड़ा जो है वूंड, उसमें पेन, पेशेंट हिल नहीं सकता, जल्दी से कब उठ के बैठ जाएंगे जो चेस्ट फिजियोथेरेपी स्टार्ट होगी, सक्शन ही बस करते रहेंगे। तो पेशेंट उससे रिकवर कर गया या उससे नहीं मरा, मर गया किससे? निमोनिया से। यानी कि लंग्स तो ऐसा ऑर्गन है कि किसी और ऑर्गन की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है उसको मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जब हम उसके ऊपर अपने ऊपर सर्जरी करेंगे तो फिर उसके लिए हीलिंग के लिए प्रॉपर फैक्टर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात। तो सर्जरी जो है उसके लिए आपने पेशेंट जो है उनको देखभाल के, कि जो स्टेज वन वाले हों, ओल्ड एज ना हो, ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज ना हो, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ना हो। स्मॉल सेल कार्सिनोमा की भी सर्जरी एडवाइज नहीं होती क्योंकि वो भी इतना एग्रेसिव है कि वो मेटास्टेसाइज कर चुका होता है। और उसको दूसरी बात ये है कि रेडियोथेरेपी इज मोर लाइक सक्सेसफुल। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है उसकी सारी बातें बहुत बुरी हैं कि वो बहुत एग्रेसिव है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, मेटास्टेसाइज जल्दी करता है, ये है वो है, लेकिन उसमें एक बात ही अच्छी है कि वो रेडियोथेरेपी को, इन चारों में सबसे ज्यादा रेडियोथेरेपी को वो रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए इट इज बेटर कि स्मॉल सेल सीए हो तो आप रेडियोथेरेपी करें, ठीक है, सर्जरी ना करें। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि पेलिएटिव थेरेपी क्या है। एक मरीज है वो एडवांस स्टेज पे आपको मिला है, उसकी स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, एडवांस कार्सिनोमा है, या कोमॉर्बिडिटीज हैं, या ओल्ड एज है, या एग्जिस्टिंग लंग डैमेज है, जो सारी सर्जरी की कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब आप क्या करेंगे? आप पेशेंट को पेलिएटिव थेरेपी देंगे, कीमो प्लस रेडियो या लेजर थेरेपी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वो हम क्यों दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर हो जाए। उसको बोन मेट्स की वजह से पेन है, उस वहां रेडियोथेरेपी दें, पेन खत्म हो जाएगी। मरीज तो यही चाहता है कि जितनी उसकी लाइफ है वो तो मिजरेबल ना गुजरे, ठीक है। अगर उसको ब्रेथलेसनेस है, रेडियोथेरेपी से उसका ट्यूमर मैस श्रिंक कर जाता है, ब्रोंकस ओपन हो जाता है, ब्रेथलेसनेस बेहतर हो जाती है, और क्या चाहिए? सो दिस इज कॉल्ड पेलिएटिव थेरेपी, जिससे आप पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते लेकिन उसकी डेथ को आप इजी बना सकते हैं, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पेलिएटिव थेरेपी। तो कार्सिनोमा की दो थेरेपीज होती है, क्यूरेटिव जो कि मोस्टली सर्जिकल रिसेक्शन की फॉर्म में होती है, ठीक है, और दूसरी पेलिएटिव जो कि मोस्टली कीमो रेडियो की फॉर्म में होती है। जनरली स्पीकिंग देयर कैन बी एक्सेप्शंस, ठीक है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई इज बेटर क्योंकि वो उसमें डाई इन्वॉल्व नहीं होती, वो मीडियास्टिनल ट्यूमर जो होते हैं उनको पिक करने के लिए ज्यादा बेहतर मोडालिटी है। सीटी आपने ब्रेन और अपर एब्डोमेन का भी करना है, सो एज टू सी मेटास्टेसिस है कि नहीं, स्टेजिंग के लिए। साइटोलॉजी समटाइम प्लूरल इफ्यूजन में, समटाइम स्पूटम में कैंसर सेल्स नजर आ जाते हैं, उससे डायग्नोसिस बन जाता है। ब्रोंकोस्कोपी पे आप बायोप्सी ले सकते हैं, ट्यूमर को सेल टाइप पे डिपेंड करते हुए उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी टाइप का। बायोप्सी से हमें हेल्प मिल जाएगी कि विच टाइप ऑफ ट्यूमर इज इट, ठीक है, तो उससे उसके ट्रीटमेंट में हमें गाइडेंस मिल जाएगी कि अगर स्मॉल सेल कार्सिनोमा है तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए, रेडियोथेरेपी करनी चाहिए। अच्छा जी, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तो सर्जिकल रिसेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पेशेंट्स प्रेजेंट विद एडवांस डिजीज एंड पेलिएटिव ट्रीटमेंट कैन ओनली बी ऑफर्ड। बाज़ोकात मरीज का ट्रीटमेंट ना करना ट्रीटमेंट करने से बेहतर होता है। ये नहीं कि मरीज आपके हत्थे चढ़ गया है तो आप उसका बिड़ा वर्क करके ही छोड़ें। बाज़ दफा पेशेंट की हेल्प ये होती है कि आप कुछ ना करें,
ट्रीटमेंट आप वो करें, सर्जरी आप वहां करें जहां उसका फायदा है, बिना वजह तो उसे तकलीफ देने का आपका मकसद नहीं होना चाहिए ना, तो इसीलिए आप सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। सर्जिकल रिसेक्शन रिजल्ट्स आर पुअर इन स्मॉल सेल सीए, फ्यू पेशेंट्स आर सुटेबल फॉर सर्जरी, ठीक है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट आफ्टर रिसेक्शन ऑफ स्क्वेमस सेल सीए क्या है, अगर किसी पेशेंट का स्क्वेमस सेल सीए है और वो स्टेज वन पे खुशकिस्मती से समहाउ पिक हो गया, तो उस पे अगर आप रिसेक्शन कर दें ट्यूमर मैस की तो वो क्यूरेटिव होगा, और 5 ईयर सर्वाइवल रेट फिर भी सिर्फ 75% है। अगर स्टेज टू पे डायग्नोज हो गया है, रिसेक्शन हो गई है, क्यूरेटिव सर्जिकल रिसेक्शन हो गई है, तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट 55% है, ठीक है। ओवरऑल टोटल मिला के स्टेज 1, 2, 3, 4 सबका अगर मिला के देखें तो 5 ईयर सर्वाइवल सीए लंग का सिर्फ 10% है, ठीक है। इतना एग्रेसिव तरह का ये ट्यूमर। कौन से पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी नहीं करनी, जिनको स्मॉल सेल सीए रेडियोथेरेपी कर दें, बड़ा एग्रेसिव ट्यूमर है, मेटास्टेसिस हो चुका होता है, ओल्ड एज है, ठीक है, पेशेंट को जो है वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, प्रोलॉन्ग सर्जरी के मसले मसाइल बहुत होते हैं, कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, वूंड ठीक नहीं होता, तो ये वो ना, पुअर रेस्पिरेटरी फंक्शन, लंग्स का ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है, सीओपीडी के मारे हुए लंग्स हैं, अस्थमा के मारे हुए लंग्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस के खाए हुए लंग्स हैं, तो उस मरीज को मजीद तकलीफ नहीं देनी चाहिए। डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिलते हैं, स्टेज 4 डिजीज है, सर्जरी नहीं करनी। मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट है, वो कैसे पता चलेगी, या तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुआ होगा, पेशेंट बोल ही नहीं सकता, या डिस्फेजिया होता है, पेशेंट की इसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट है, या जो है वो वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस आपको मिलते हैं, वो क्या है, एंगॉजमेंट ऑफ सुपरफिशियल वेन्स ओवर द नेक एंड अपर चेस्ट, वो मिलते हैं आपको। ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस हैं, लंग कोलैप्स के साइंस हैं, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स जो है वो आपको एनलार्ज मिले, आपने एक नोड की बायोप्सी ली, दे आर पॉजिटिव फॉर कार्सिनोमा सेल्स, तो भी ये सारी चीजें शो करती हैं कि मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट इज देयर, एडवांस लोकल डिजीज, तो उसमें भी आप मीडियास्टिनल तो निकालने से रहे सर्जरी में, ठीक है, तो इसकी भी सर्जरी नहीं करते। अच्छा, ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूड रेडियोथेरेपी इज ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर द रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेसिंग कॉम्प्लिकेशंस। पेन को, कार्सिनोमा के पेशेंट की पेन को मैनेज करना, पेन रिलीफ देना उसको इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो रेडियोथेरेपी से बहुत अच्छी पेन रिलीफ होती है, ठीक है, कीमो से भी होती है, जो है पेन किलर से भी होती है, लेकिन रेडियो से थोड़े जो कार्सिनोमेटस सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, जो बोन पेन या जो भी पेन वो कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेन कम हो जाती है। अच्छा जी, तो इसमें जो है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इफ द ट्यूमर इज इनऑपरेबल, वो ट्यूमर जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता उसके लिए रेडियोथेरेपी लंग कैंसर के की बात करते हुए वो सबसे बेहतरीन है। स्मॉल सेल सीए जो है उसकी सारी बातें बहुत बुरी हैं, वो बहुत एग्रेसिव है, ये है वो है, बट इट इज मोर रिस्पॉन्सिव टू रेडियोथेरेपी। चारों टाइप में जो सबसे ज्यादा रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करता है वो स्मॉल सेल सीए है। अच्छा, और हम स्मॉल सेल सीए के बारे में हमें पता है कि इसने तो इधर उधर जाना ही जाना है, तो हम ब्रेन को पहले ही रेडियोथेरेपी दे देते हैं कि इधर आए ही ना, आए तो रेडियोथेरेपी के इफेक्ट्स हों, मरमरा जाए सेल्स जो भी आए, ठीक है, हम प्रोफाइलेक्टिक रेडियोथेरेपी दे देते हैं ब्रेन को, ताकि ब्रेन मेट्स बने ही ना, पहले ही दे देते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कीमो का फायदा है, बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो यूज की जाती हैं, मसलन विनक्रिस्टीन, साइक्लोफोसामाइड, डॉक्सोरूबिसिन, आईवी सिस्प्लैटिन जो है वो, और इटोकोसाइड, ये सारी 3-3 हफ्ते के बाद कीमो का साइकिल दिया जाता है, और 3-6 साइकिल दिए जाते हैं, इन ड्रग्स में से कोई एक या कॉम्बिनेशन में दी जाती है। फायदा क्या होता है कि रेडियोथेरेपी का इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर रेडियोथेरेपी का इफेक्ट जो है वो, कीमोथेरेपी इन द नॉन स्मॉल सेल सीए इज नॉट मच इफेक्टिव बट कैन बी गिवन इन नॉन रिसेक्टेबल ट्यूमर्स इन कॉम्बिनेशन विद रेडियोथेरेपी। वो कहता है कि फायदा इतना ना भी हो लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं कीमो का भी इतना फायदा नहीं है जी, ये जो ट्यूमर मैस है, वो कहते हैं स्मॉल सेल सीए में तो रेडियो इज इफेक्टिव, रेडियो प्लस कीमो मोर इफेक्टिव, ठीक है, थोड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, पेन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी, जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगी, पेशेंट का ब्रेथलेसनेस का इशू कवर हो जाएगा, तो ये सब भी मरीज के लिए बहुत है, ठीक है, कि उसकी जिंदगी को आप आसान कर दें। अच्छा जी, लेकिन वो कहता है कि ये जो दूसरे नॉन स्मॉल सेल हैं उनमें इतना इफेक्टिव नहीं है ये चीजें, लेकिन बात ये है कि इररिसेक्टेबल ट्यूमर में अब आप और क्या करें, ठीक है, पेशेंट को ईज आउट तो करना है ना, तो उसके लिए फिर आप ये करें। लेजर थेरेपी इज अनदर ऑप्शन, इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर मैस, ऑक्लूडिंग अ लार्ज ब्रोंकस, कॉजिंग
लंग कोलैप्स, जिस तरह हम कह रहे हैं कि रेडियो से हम ट्यूमर मैस्टरिंग कर सकते हैं, लेजर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, 5 ईयर सर्वाइवल ओनली 10% आफ्टर डायग्नोसिस। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, आपका जो वाइवा है वो 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के दरमियान उसकी आपको डेट दी जाएगी। जिन लोगों का क्विज रह गया है, जिन लोगों का क्विज किसी जेन्युइन इशू से रह गया है, उनका क्विज रीटेक फ्राइडे को 11 बजे एसएसएस ऑफिस में होगा। अब जो है वो आप बच्चों वाले सवाल फिर पूछ रहे हैं कि क्या सबने ये क्विज देना है, तो एसएसएस ऑफिस में 3 सेक्शन क्विज कैसे दे सकते हैं, ओरल नहीं दे सकते ना, कॉमन सेंस में। तो जिन लोगों का रह गया है, कोई जेन्युइन इशू था, उन्होंने परमिशन ली भी है रीटेक की, या वो आके उस वक्त डिस्कस कर लें, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि फाइनल आने वाले हैं, फिर मजीद कोई रिटेक इसके बाद नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, जो है वो आपके मिड जो है वो हो चुके हैं, अब आपका वाइवा है, अब आपकी क्लास पार्टिसिपेशन को देखना है। हाँ जी, मिड का रिव्यू 3 बजे 504 में, 505 लिखा हुआ है ना मैंने ईमेल में, 504 में उसके साथ वाली लैब मिली है, बस ये ऐसी है। कोशिश करेंगे ना, देख लेंगे उसको क्या करना है। 1 to 10 लेके उसमें मैं 1 to lecture 10 मैम। जी जी मैम, मेरे एक्चुअली क्विज के मार्क्स नहीं अपलोड हुए एलएमएस पोर्टल पे। मैंने आप सबसे कहा है कि इसका भी कोई ऐसा इशू है, वो मेल तो आप करते हैं, लेकिन बेटा मुझे बहुत मेल्स आती हैं, आप मेरे से ऑफिस में आके मिले, इतने सारे बच्चे तो लगवा के गए थे आपके घर रह गए, आप अपने फ्रेंड को भेजें, आप आ जाएं। चलिए मैम मैं आ जाती हूं। आप आ जाएं, और वैसे भी अब आपकी जो ये आपका आखिरी ऑनलाइन लेक्चर है, नेक्स्ट से ऑनवर्ड जो है वो लेक्चर जो है वो ऑन कैंपस ही होंगे, लेकिन कल आपका मेकअप लेक्चर मैं लेना चाहती हूँ, कल शाम 4 बजे, ताकि हम कोर्स खत्म कर सकें, ठीक है। फिर आप कोर्स खत्म करेंगे तो आप फाइनल के लिए पढ़ेंगे ना, तो आप सेक्शन बी और सेक्शन सी अगर कंबाइन लेक्चर कल शाम 4 बजे ऑनलाइन, कल शाम 4 बजे ऑनलाइन लेक्चर ले सकें, तो हम अपना कोर्स जल्दी खत्म कर सकेंगे,